किसी ने सच कहा है, उम्मीद मत छोड़ो, जिद और फोकस करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। क्या आपको पता है कोई भी इंसान सक्सेसफुल कैसे होता है? अगर आपको भी सक्सेस होना है तो ये चीज़ें कभी मत भूलना। पहला उम्मीद, दूसरा खुद पर भरोसा और तीसरा जिस काम को कर रहे हो उसे पूरा करने का जिद। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के वीडियो या किसी के बात सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं। ये मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है। तो अपने मन में ठान लो कि आज से मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और अपने मन से उस सभी चीज़ों को दूर करो जो आपके पढ़ने से रुकता है, चाहे वो किसी की याद हो, ख्याल हो। क्योंकि आपके लिए आपके माता पिता इतना कष्ट करके आपको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा देते हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसे कोसने पर लगे हो? जो होना होगा वो तो होकर भी रहेगा, लेकिन जो आप कर रहे हो उसके बारे में एक बार सोच कर जरूर देखने कि क्या हम अपना 100% अपने कार्य को दे रहे हैं? क्या पढ़ने का मन नहीं करता है? क्या आपको पढ़ाई कठिन लगती है? एक बात याद रखना कि जो जितना घिसता है उसका वैल्यू उतना ही अधिक आता है। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। गेहूँ और आटा में गेहूँ का वैल्यू कम और आटा का वैल्यू ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गेहूँ से आटा बनने में उसे कटना, पीसना और घिसना पड़ता है, उसके बाद वो जाकर आटा बनता है और तब जाकर उसका वैल्यू बढ़ता है। और आप बिना मेहनत किए, बिना घिसे अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। अभी भी वक्त है, उठो, जागो और आगे बढ़ो।